ये है दिल्ली दर्पण दिल्ली एनसीआर का नंबर वन वेब चैनल। एक डेटिंग ऐप के जरिए सोशल साइट पर दोस्ती कर दिल्ली के एमबीबीएस युवक को फरीदाबाद बुलाकर लूटने के मामले में क्राइम ब्रांच डीएलएफ ने सिविल इंजीनियर सहित तीनों लुटेरों दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया है। डेटिंग ऐप पर दोस्ती करने वाले छात्र युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर युवक से 9,000 रुपए, मोबाइल और डेबिट कार्ड लूट लिया। लुटेरों ने एमबीबीएस दिनेश को फरीदाबाद के सेक्टर 28 मेट्रो स्टेशन बुलाया और बाइक पर एक सुनसान जगह ले गए, जिसके बाद वहां पर उसके कुछ साथी पहुंच गए और सब ने मिलकर उन्हें लूट लिया। जिसके बाद शिकायत मिलने पर क्राइम ब्रांच डीएलएफ ने मंगलवार को सेक्टर 11 निवासी रोमित, बदरपुर निवासी राहुल और भगत सिंह कॉलोनी बल्लभगढ़ निवासी सतीश को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार हुए आरोपियों ने स्वीकार किया है कि वो ऐप के माध्यम से दोस्ती कर कई लोगों को लूट चुके हैं। दिनेश नाम के युवक ने सेक्टर 28 चौकी में कंप्लेंट की थी कि 25 तारीख को वो कोई एक ऐप है मोबाइल नंबर कंप्यूटर में, वो डाउनलोड कर सकते हैं आप। उस ऐप के जरिए ये संपर्क में आए आपस में और उन्होंने उसको बुलाया, इन्वाइट किया यहाँ पर, जो यहाँ सेक्टर 28 मेट्रो स्टेशन के पास वो पल्सर पर मिले और उसको बैठा के अपने साथ और ले गया। उसके बाद उसका मोबाइल फ़ोन, पासपोर्ट और कुछ कैश वो सब छीन लिया। तो इसमें गंभीरता को देखते हुए जो क्राइम ब्रांच ड्यूटी उसमें तो जॉइंटली 28 सेक्टर और उन्होंने मिलकर जो प्रयास किया तो उसमें तीन लड़कों को गिरफ्तार करके और वो मार्गिंग बरामद करने में सफलता हासिल की है। इसमें एक लड़का रोमित है जो सेक्टर 11 में इनका रहने वाला है, दूसरा राहुल है वो भी फरीदाबाद का ही, और तीसरा सतीश। तो इनको आज कोर्ट में पेश करके और बाकी फॉर्मेलिटी में क्योंकि सर उन्होंने कॉन्टैक्ट करा फ़ोन पर हमें, फिर उसके बाद ऐसे ड्राइव करके। फरीदाबाद से मनोज राजपूत की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, Facebook पेज को लाइक करें या लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। दिल्ली दर्पण टीवी पर खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर